हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेटिंग ऑल। और ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनकी काफ़ी कम रैंक आई है, तो उनमें जोसा, सीसैब काउंसलिंग और डीटी, यानी कि आपकी स्टेट की डिफरेंट काउंसलिंग चल रही हैं, तो उनके बारे में बताऊंगा कैसे आपको क्या करना है। तो इस वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए, जिनकी रैंक कम आई है, 1 लाख से ऊपर है, ऐसे यानी 60,000 से भी ऊपर है, वो भी देखिए। और काफ़ी इनकी टू लैख 50,000, 3 लाख, 4 लाख ऐसी है, जरूर देखिए इस वीडियो को। और वो मिस्टेक्स बताऊंगा जो जनरल स्टूडेंट्स करने हैं, जो आपको नहीं करनी, जिसके बाद आपको अच्छा कॉलेज या अच्छी ब्रांच आपको कॉलेज में मिल जाएगा। तो सबसे पहले यार, जोसा की काउंसलिंग आपकी चल रही है 2 राउंड की, आपकी जो सील अलॉटमेंट रिजल्ट है वो भी आ चुका है, बाकी 5 राउंड उसका बचा है। उसके बाद सीसैब काउंसलिंग होनी है, डीटी काउंसलिंग पैरेलली चली रही है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आपको स्टेट काउंसलिंग जरूर पार्टिसिपेट करना है, जिनमें आपने जो बाकी हैं, बाकी ज़्यादातर हो चुकी हैं, मैं होप करता हूँ आपने किया भी होगा। तो स्टेट के कॉलेजेस की वीडियो मैं बना दूंगा। तो सबसे पहले जोसा की बात करते हैं यार। जोसा काउंसलिंग में आपका 5 राउंड ऐसे बीत जाएंगे, यानी कि 2 हो गए, 3 और होंगे, तो 5 राउंड आपके हो जाएंगे। जो 6th राउंड है वो स्पेशल होता है, उसकी मैंने वीडियो भी बना रखी है क्यों होता है, तो मैं यहाँ दोबारा बता देता हूँ आपको। वो इसलिए होता है यार, क्योंकि 6th राउंड तक आप अपनी सीट विड्रॉ कर सकते हो और आपकी जो फ़ी है वो रिफ़ंड हो जाएगी। सीट एक्सेप्टेंस जो फीस होती है वो रिफ़ंड हो जाएगी। तो 6th राउंड के बाद आप करते हो तो आपकी फ़ी रिफ़ंड नहीं होती, यानी कि आप अपनी सीट, आपको जो भी सीट मिली है 6th राउंड तक, आप उसे विड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सब ये करते हैं, उन्हें सीट पसंद नहीं आती, या तो कॉलेज अच्छा नहीं होता, कॉलेज की वो ब्रांच अच्छी नहीं होती, तो वो ऐसे में अपनी सीट विड्रॉ कर लेते हैं और वो जोसा से क्विट कर जाते हैं, वो जोसा से क्विट कर लेते हैं फिर। तो ऐसे में क्या होता है, बहुत सारी सीट्स वैकेंट रह जाती हैं, यानी कि आपका जो 7th राउंड तक है, बहुत सारे स्टूडेंट जाते ही नहीं हैं 7th राउंड तक। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है यार, आपको 7th राउंड तक जाना है, क्योंकि 7th राउंड तक जब आप जाओगे तो आपको सीट मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे सीट मिलने के, और आपको ईजिली सीट मिल सकती है। और उसके बाद आपको सीसैब काउंसलिंग जो होगी उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना है, ऐसा नहीं है लेट होती है, कोई टेंशन नहीं, लेट होने दो, और चाहे श्योरिटी है या नहीं, लेकिन मैं कहूँगा उसमें कॉलेज आपको ज़रूर मिलता है यार। उसमें चाहे कितनी भी कम रैंक आई हो, कितना भी बेकार आपका स्कोर रहा हो जेई मेंस का, आप उसको आप में मिल जाए, उसमें आपको मिल जाएगा अच्छा कॉलेज, अच्छी ब्रांच कॉलेज मिल जाएगा। अब आपको कॉलेज को प्रेफर देना या ब्रांच को प्रेफर करना है, देखो यार, सबसे पहले कॉलेज देखो कि सही है, ऐसा ही नहीं कोई बेकार सा कॉलेज, उसमें चाहे सी एस ले लो, ऐसा नहीं करना है। ये जोसा सीसैब से तो यार अच्छे कॉलेज ही मिलते हैं, इनमें आप ले सकते हो अच्छी ब्रांच को ज़्यादा प्रेफर करना है इन कॉलेज में, लेकिन बाकी प्राइवेट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। तो 6th राउंड क्या था, 7th में आपको पार्टिसिपेट जरूर करना है, उसके बाद सीसैब में पार्टिसिपेट करना है, उसके बाद तो क्विट नहीं करना, विड्रॉ नहीं करा लेना यार 6th राउंड में। विड्रॉ करा लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, और फिर सीट कहाँ से मिलेगी जब विड्रॉ करा लोगे, तो फिर आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ भागोगे। तो इसलिए विड्रॉ नहीं कराना है और सीट पार्टिसिपेट करते रहना है आगे तक, 6th राउंड का 7th तक आपको जाना है, पूरे राउंड कंप्लीट करने, उसके बाद सीसैब में जाना है। और मैं श्योर हूँ आपको या तो 7th राउंड में सीट मिली जाएगी, नहीं तो नहीं मिली तो फिर सीसैब में मिल जाएगी, आपकी ज़्यादा ही हाई रैंक आई है तो आपको सीसैब में ज़रूर मिल जाएगी। तो ये सब मेरी एडवाइस है, और बाकी जो भी डाउट हो आपका इस कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं सबका रिप्लाई करूँगा, ज़रूर करूँगा। और सबके रिप्लाई नहीं कर पाया तो मैं एक आपकी वीडियो बना लूँगा क्वेरी की, तो उसमें मैं सबके डाउट्स कवर कर लूँगा, और जो कॉमन होंगे उन्हें हटा दूँगा, मतलब कॉमन डाउट्स ले लूँगा। तो इसलिए कमेंट जरूर करना कोई भी डाउट हो पूछो, और सीसैब की वीडियो भी बना दूँगा, आप कहोगे तो डिटेल में कैसे कब क्या होने वाला है और सारी चीज़ें समझा दूंगा आपको, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी। चॉइस फिलिंग जो करनी है वो बहुत ध्यान से करनी, जोसा काउंसलिंग में बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत चॉइस फिलिंग कर दी और अब उन्हें कॉलेज नहीं मिल पा रहे, वो पछता रहे हैं, तो रिग्रेट नहीं चलता रहा यहाँ पे। आप जो चॉइस फिलिंग करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कॉलेजेस मिलेंगे। तो सीसैब में बहुत ध्यान से कॉलेज चॉइस फिलिंग करनी है, अगर आप चाहो मैं वीडियो बनाऊँ तो मैं वीडियो बना दूंगा चॉइस फिलिंग के ऊपर, तो बस कमेंट करके बताना कोई भी डाउट हो पूछो। तो मैं ये वीडियो इसीलिए बनाई थी यार, क्योंकि आपके राउंड जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं विड्रॉ करा लेंगे सीट, विड्रॉ नहीं करानी है यार, विड्रॉ कराओगे तो आप ही का नुकसान है, मेरा कुछ नहीं है, आपकी मर्ज़ी, आप करा सकते हो, आपकी चॉइस है, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा ना करें। और सारी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें एज मच एज यू कैन, जितनी काउंसलिंग आप कर सकते हो उतनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। और इस वीडियो को शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना यार, लाइक कर दो, मैं आपसे कुछ नहीं कहता, केवल वीडियो को लाइक कर दिया करो, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। और एक बात और कहनी थी आपको, हर टाइम पे 1-2 दिन में टाइम पीरियड में आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो देखती रहनी है, जोसा की, josaa.neet.in, सीसैब की, और आपकी स्टेट काउंसलिंग जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया उसकी यार। इससे क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आती है, तो वो आपको नहीं मिल पाती कभी कभी, तो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यानी कि कोई नोटिफिकेशन आया उसमें आपको इम्पोर्टेंट नोटिस आया या कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन,
तो वो आपको मिलती रहनी चाहिए। इसलिए ऑफिशियल वेबसाइट टाइम पीरियड पे जरूर देखते रहा करो, और वो नहीं देख पाते हो और उसमें काफ़ी चीज़ समझने के लिए नहीं समझ में आती हैं, तो उसे ना करने की वजह से आप एक और काम कर सकते हो, वो ना करना चाहो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, इससे भी आपको इक्विवेलेंट बेनिफिट मिलेगा और सारी चीज़ें समझाता हूँ मैं और लेटेस्ट अपडेट तुरंत सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचाता हूँ, उसके बाद आपको सारी चीज़ समझाता भी हूँ। तो ऑफिशियल वेबसाइट जो लोग ना देखते हो ना समझ पाते हो सारी चीज़ें तो मिलेगा, लेकिन आपको बेल आइकन भी प्रेस करना होगा, बेल आइकन का ऑप्शन आता है ऑल, जब भी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो चलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे अभी आए डॉलर देखियो।